Hello student, welcome to Dobhal tutorial. Today I'll teach you chapter 7 Who Did Patrick Soumarc from the book Sunbeam Scordova class 6 which is written by Carol Moore. The chapter name is Who Did Patrick's Homework. Patrick ka homework kisne kiya tha? Ye ek story jo aapko ye lesson mein di hui hai, ye ek bacche ki kahani hai. Main character is story ka Patrick hai. Patrick ek aisa bachcha hota hai jise homework karna bilkul bhi pasand nahi hai. Use bahut boring lagta tha homework karna. Ab yahan par us bacche ke bahut acche grade aate hain. अब यहाँ पर उसकी कोई हेल्प करता है या वो खुद से होमवर्क करता है, आपको स्टोरी में यही दिया हुआ है, यही आपको इस लेसन के अंदर पढ़ना है. ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग एंड इट्स श्योर. समटाइम्स ही डिड लाइक फील एंड इग्नोरमस, बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था, उसे बहुत बोरिंग लगता था होमवर्क करना. वो होमवर्क करने की जगह बास्केटबॉल, हॉकी और निंटेंडो खेला करता था. निंटेंडो एक वीडियो गेम है. उसके टीचर्स हमेशा उसे बोला करते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा. और ये बात बिल्कुल सच थी, रियल थी. कई बार उसको लगता था कि वो एक इग्नोरमस, इग्नोरमस मतलब होता है अनएजुकेटेड, अ पर्सन हु डज नॉट हैव मच नॉलेज, एक ऐसा इंसान जिसे कुछ भी नॉलेज नहीं होता. बट वो कर भी क्या सकता था, उसे होमवर्क करने से बहुत नफरत थी, होमवर्क करना ही नहीं चाहता था. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ. देन वन डे, फिर एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रिप्ड इट अवे. उसे उसका एक पेट था जो कि एक कैट थी, वो देखता है कि उसकी कैट एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है और वो उसे ग्रैब्ड मतलब छीनना, वो जाकर उस कैट से उस डॉल को छीन लेता है. टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट अ डॉल एट ऑल. और ये देखकर बहुत वो सरप्राइज हो जाता है कि वो एक छोटी सी डॉल नहीं थी, गुड़िया नहीं थी, बल्कि क्या था, बट अ मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज, बल्कि एक छोटे साइज का एक आदमी था. और यहाँ पर जो ये टाइनेस्ट साइज मैन बोला गया ना, तो वो एक एल्फ के लिए बोला गया. और एल्फ कौन होते हैं? एल्फ होते हैं जिन, जिनके पास कुछ मैजिकल पावर होती है. पॉइंटेड ईयर्स होते हैं इनके. ओके, अ स्मॉल क्रिएचर विथ पॉइंटेड ईयर्स हैविंग मैजिकल पावर्स. आपने हैरी पॉटर की मूवी अगर देखी होगी स्टूडेंट, तो बच्चों उसमें आपने देखा होगा छोटा सा आदमी होता है जिसके लंबे लंबे कान होते हैं और उसके पास मैजिकल पावर होती हैं, मैजिकल पावर्स उनके अंदर होती हैं. तो ये एल्फ वही है जो यहाँ पर बोला गया टाइनी साइज. तो एक छोटे साइज का एक आदमी था, एक एल्फ था. और उसने क्या पहना होता, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने एक वुलन शर्ट पहनी हुई थी विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस. एक ब्रीचेस मतलब शर्ट जिसे कैप्री बोलते हैं हम, एक छोटा सा पजामा पहना था, कैप्री पहनी हुई थी. एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, और एक लंबा सा हैट पहना हुआ था जैसे जादूगरनियाँ पहनती है ना, विचेस जादूगरनियाँ पहनती हैं, ऐसे उसने एक हैट पहना हुआ था. और वो क्या कर रहा था, ही येल्ड, वो चिल्ला रहा था, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उस बिल्ली को मत देना. आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट, देखो आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, मुझे उस वापस उस बिल्ली को मत देना. अब पैट्रिक जैसे ये सुनता है कि वो उसकी एक इच्छा पूरी करेगा, तो पैट्रिक बहुत खुश हो जाता है. अब क्यों खुश होता है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास ही नहीं होता कि वो इतना लकी हो सकता है. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसे उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया था, उसकी सारी प्रॉब्लम्स अब सॉल्व होने वाली थी. सो ही सेड, फिर वो बोलता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरा जो मेरी जो इच्छा है ना, तुम सिर्फ मेरा एक काम कर दिया करना, मेरा होमवर्क कर दिया करना तुम, जो कि 35 days का है, सेमेस्टर एंड तक तुम मेरा पूरा होमवर्क कर दिया करना, होमवर्क कर लेना. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे, अगर तुम अच्छे से मेरा होमवर्क करोगे, तो क्या होगा, आई कुड इवन गेट ए, मुझे ए ग्रेड मिल जाएंगे, मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. तो वो इस तरह से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बोलता है किसको, एल्फ को. ओके, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. अब वो एल्फ जो है वो उसकी हेल्प करता है या नहीं करता. द लिटिल मैंस फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क ग्रोथ थ्रोन इन द हैम्पर. अब देखो क्या होता है, जैसे ही वो एल्फ ये सुनता है कि उस पैट्रिक का उसे होमवर्क करना है, तो उसके फेस पे बहुत सारे फोल्ड आ जाते हैं, रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ होता है वैसे. बट यहाँ पर जैसे गुस्से में हम अपना मुंह भींचते हैं तो कैसा हो जाता है, मुंह पे सिलबटें आ जाती हैं ना, सिलबट से पड़ जाती है. तो फोल्ड के लिए यहाँ पर बोला गया है. और कंपेयर किया गया है एक कपड़े के साथ, क्लोथ के साथ, लाइक अ डिस्क क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर. जैसे हम लॉन्ड्री बैग में कपड़े अगर धोने के लिए डालते हैं, तो क्या होता है, एक कपड़े के ऊपर हम दूसरा कपड़ा फेंकते चले जाते हैं और उन कपड़ों में सिलबटें आ जाती हैं, फोल्ड पड़ जाते हैं उन कपड़ों में. तो इसी तरह से उसके चेहरे पर फोल्ड पड़ गया था. आप धोने के लिए या धोकर जैसे कपड़े सुखाने के लिए, तो उन कपड़ों में जैसे फोल्ड पड़ जाते हैं, तो वैसे ही उसके
चेहरे पर जो है फोल्ड पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ सी या सिलबटे पड़ जाती हैं। ही किक्ड हिज लेग, वो अपने जो है पैरों को पटकता है जमीन पर, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, अपनी मुठ्ठियाँ भींचता है, एंड ही ग्रिमेज्ड। ग्रिमेज्ड मतलब क्या होता है, जिसे बोलते हैं ना कि मुंह बनाना, ओके तो ग्रिमेज्ड मुंह बनाता है वो, मेड एन अगली एक्सप्रेशन टू सो पेन, अपना दुख जताता है जैसे, है ना। तो एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, वो अपना जो है स्काउल्ड मतलब जैसे उसको घूर के देखता है, गुस्से में उसको घूर के देखता है, एंड पर्स्ड हिज लिप्स, अपने होंठ भींचता है। अब वो क्या बोलता है, ओ एम आई कर्स्ड, क्या मैं श्रापित हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये करूँगा। अब क्या करूँगा बोल रहा है वो, होमवर्क के लिए बोल रहा है यहाँ पे। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसके उसने जैसे बोला था वो वैसे ही करता है। वो क्या करता है, पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वट टू डू एंड नीडेड हेल्प, वो ज्यादा उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो उसे बार बार जो है हेल्प की जरूरत पड़ रही थी, मदद की जरूरत पड़ रही थी। हेल्प मी ही वुड से, वो बार बार मदद के लिए चिल्लाता था, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प हिम वट एवर वे, और पैट्रिक जहाँ पर भी जैसे भी होता था उसको उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। The elf squeed while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No words even better. Look up the word and sound it out by each letter. अब देखो squeed, squeed मतलब क्या होता है? Made a sorter. Shell wise of a nervousness. तो यहाँ पर अब बोला गया कि वो बोलता है, चिल्लाकर बोलता है वो कि मुझे ये वर्ड नहीं आता, मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आता। वो जो है नर्वसनेस के साथ कांपती हुई आवाज में बोलता है, एंड गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला कर दो, मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि ये अच्छा होगा कि अगर तुम मुझे इसको रीड करके सुनाओ, जैसे बोलते हैं ना कि तुम मुझे इन वर्ड्स को रीड करके सुनाओ, जोर जोर से मुझे इनको रीड करके सुनाओ। वेन इट केम टू मैथ, और जब मैथ की बारी आती है तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, जैसे बोलते हैं ना पैट्रिक की अब शामत आ गई, क्योंकि उसे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी। वट आर टाइम टेबल्स, अब वो चिल्लाता है कि ये टेबल्स क्या हैं। द एल्फ शेक्ड, शेक्ड मतलब चिल्लाना, तो अब चिल्लाता है वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम एल्व्स को, हम जिन्हों को इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये डिवीजन, ये सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन और ये फ्रैक्शन क्या है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, तुम मेरे पास यहाँ पर बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, हम एल्व्स, हम जिन जो हैं वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये हमारे लिए क्या है, देम इट्स अ मिस्ट्री, देखो ये हमारे लिए एक मिस्ट्री है, एक पहेली है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर, अब वो जो है जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट करता है। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और बल्कि तुम्हें मुझे मदद करनी पड़ेगी, मेरी तुम्हें मदद करनी पड़ेगी, मुझे उन वर्ड्स को जोर जोर से पढ़कर सुनाना होगा, मेरे लिए रीड करना होगा। As matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. अब नैग मतलब होता है परेशानी वाला, जैसे बोलते ना परेशान करने वाला। नैग a troublesome person, okay? तो एक ऐसा person जो कि परेशान करने वाला होता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दरअसल जो एक्चुअल में हर दिन जो है वो जो एल्फ था वो पैट्रिक को परेशान करने लगा, ओके। एंड पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ड्रैग, ओके। तो अब उसे क्या लगने लगा था, वो ज़्यादा परेशान उसे करने लगा था। ड्रैग मतलब क्या होता है, समथिंग डल एंड जैसे बोलते ना अनइंटरेस्टिंग, उसे ये सब बोरिंग लगने लगा था बहुत ज़्यादा। किसको, पैट्रिक को। वो ज़्यादा से अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा था, पहले से ज़्यादा मेहनत करता था। ही वॉज स्टेइंग अप एट नाइट्स एंड नेवर फेल्ट सो वेरी। अब देखो यहाँ पर फिर क्या बोला गया है, उसे बहुत ही ज़्यादा जो है थकान महसूस होती थी, वो इतना कभी थकान पहले कभी महसूस, उसने टायर्डनेस नहीं फील किया था जैसे कि अब वो करता था, क्योंकि वो देर रात तक उठा रहता था। और जब वो स्कूल जाता था तो उसकी पफ्ड, देखो आईज पफ्ड मतलब उसकी आंखें सूजी हुई होती थी। एंड ब्लरी, ब्लरी मतलब क्या होता है, ब्लरी मतलब होता है नॉट एबल टू सी क्लियरली, उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता था। वो इतना हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया था, उसने इतना हार्डवर्क करता था, जैसे रात को अगर आपके एग्जाम वगैरह तो आप रात को देर रात तक पढ़ते हैं, तो सुबह ऐसा लगता है ना जैसे आंखें सूज गई हैं और कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देता। तो वो बच्चा भी अब मेहनत करने लगा था, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने लगा था, और वो जब स्कूल जाता था तो आंखें सूजी भी और ऐसे उसको साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई देता था, धुंधा धुंधा दिखाई देता था सारा।
बहुत ही धुंधला दिखाई देता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब लास्ट में वो दिन आ गया जब उसका सेमेस्टर एंड होने वाला था और अब एल्फ भी फ्री था। किस चीज़ के लिए? एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। अब लास्ट का जो उसका जो सेमेस्टर था वो आने वाला था और वो जो जिन था, वो जो एल्फ था, वो अपने घर जाने के लिए फ्री था। और उस जहाँ तक होमवर्क की बात थी वो भी अब खत्म हो चुका था क्योंकि सेमेस्टर एंड होने वाला था। और वो चुपचाप से जो है स्लाइली, मतलब जिसको बोलते हैं ना चतुराई से, क्लेवरनेस है ना जिसको बोलते हैं, क्लेवरली, तो वो जो है सीक्रेटली या क्लेवरली, तो बहुत ही चालाकी के साथ जो पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। पैट्रिक गॉट, अब देखो यहाँ पर पैट्रिक गॉट हिज ए, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। अब पैट्रिक को जो उसका सेमेस्टर था उसमें ए ग्रेड मिलता है, उसके जो क्लाइमेट जो क्लासमेट होते हैं, क्लासमेट जो उसके साथी वगैरह जो उसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ही सरप्राइज्ड होते हैं ये देखकर। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर्स बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि स्माइल करते हैं और उसकी बहुत तारीफें करते हैं, प्रेज मतलब तारीफ करना, तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। एंड एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी उसकी तारीफ करते हैं। एंड वो बहुत सरप्राइज्ड होते हैं, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। उन्हें समझ ही नहीं आता कि पैट्रिक के साथ इतना चेंजेस कैसे पैट्रिक के अंदर आ गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो अब एक मॉडल किड था। मॉडल मतलब जिसको बोलते हैं, मॉडल किड मतलब जो आइडियल होता है, तो वो अब सब बच्चों के लिए एक आइडियल बन चुका था। ही क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज क्लोथ्स, डिड हिज चोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब जो है यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो जो है एक बहुत ही जो है आइडियल बच्चा सबके लिए बन चुका था। चोर्स मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बोरिंग डेली वर्क, तो वो अपने जो डेली वर्क थी उनको अच्छे से करने लगा था, अपने रूम साफ करने लगा था, अपने कमरे को साफ सुथरा रखता था और सबको जो है सबके साथ बहुत ही पोलाइटली बिहेव करता था, रूडली किसी से बिहेव नहीं करता था, बात नहीं करता था। और ऐसा लगता था उसका पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया है, उसका पूरा जो है जो नेचर था वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका था, उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। अब उसके पेरेंट्स भी और उसके टीचर्स भी, उसके फ्रेंड्स भी उससे बहुत खुश रहने लगे थे क्योंकि उसका पूरा एटीट्यूड क्या था, वो चेंज हो चुका था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब लास्ट में पैट्रिक जो है यही सोचता था कि उस छोटे से आदमी ने, उस एल्फ ने उसका होमवर्क पूरा करवाया है, बट ऐसा नहीं था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन राइटर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहे। इट वॉजंट द एल्फ, ये है होमवर्क जो हुआ था पूरा और जो ए ग्रेड मिला था पैट्रिक को, तो वो एल्फ की वजह से नहीं मिला था, बल्कि पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। वो पूरा का पूरा होमवर्क किसने किया था? पैट्रिक ने किया था। बट पैट्रिक अभी भी यही सोचता था कि उसका होमवर्क किसने करवाया था? एल्फ ने किया था, एल्फ ने करवाया था, जबकि ऐसा नहीं था। एल्फ को तो कुछ भी नॉलेज नहीं था, एल्फ को कोई जानकारी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था। एल्फ ने सारा का सारा काम किससे करवाया? पैट्रिक से ही करवाया। बट पैट्रिक अभी भी यही सोचता था कि सारा का सारा होमवर्क मेरा किसने करवाया? एल्फ ने करवाया। ओके, बट वो खुद पैट्रिक ने किया था। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, टेक केयर, गुड बाय।